हेलो। यस सर। ओके, सो देयर इज एन एक्सरसाइज, ये आप लोगों से मैं पूछूंगा। तो हमको, मैं लिख रहा हूँ, सेट लिख रहा हूँ, आपको बताना है ये क्लोज्ड है या ओपन है। ओके, काउंटेबल सेट, काउंटेबल सबसेट ऑफ ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी। सो काउंटेबल सबसेट ऑफ ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इज इट ए क्लोज सेट और एन ओपन सेट और बोथ क्लोज एंड ओपन और नीदर क्लोज नॉर ओपन? व्हाट काइंड ऑफ सेट इज इट? आप सबको कोफाइनाइट टोपोलॉजी मालूम है ना क्या होती है? हम्म, यस सर। तो चलो पहले रिकॉल कर लेते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती क्या है। कोई एक्स है, कोई सेट है, कोई सेट है एक्स। सो टाउ सी एफ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट इधर दिस जी इज एम्प्टी सेट और एक्स माइनस जी इज फाइनाइट। ओके, तो इसका मतलब जी ओपन होगा जब एक्स माइनस जी फाइनाइट है। ठीक है, तो यस सर। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन से सेट क्लोज होंगे। तो आप जानते हैं क्लोज सेट्स कौन से होते हैं। क्लोज सेट्स मीन्स एक्स क्लोज जी ए क्लोज सेट, जी ए क्लोज सेट मीन्स एक्स माइनस जी इज ओपन। अब इस डेफिनेशन से, इन दो डेफिनेशन से क्या आप बता सकते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में कोई काउंटेबल सबसेट क्लोज्ड होगा या नहीं होगा? हाँ, सर होगा होगा। क्यों होगा? सर, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है ना सर। किसका कॉम्प्लीमेंट? मान लेते हैं, ओके, मान लेते हैं एक सेट एच है जो कि काउंटेबल, एच इज ए काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्स माइनस एच ये ओपन है, यही आप कह रहे हैं ना? यस तो ये है या नहीं है देखते हैं। एक्स माइनस एच को इस कलेक्शन में होने के लिए क्या कंडीशन है? सर, शुड बी इसको फाइनाइट और फाइव। इसको इसको जी मान लेते हैं। ठीक है, जी इक्वल टू एक्स माइनस एच। तो जी को टाउ सी एफ में होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? इधर दिस शुड बी एम्प्टी सेट, सो एक्स माइनस एच इज एम्प्टी, और एक्स माइनस एच इज फाइनाइट। ओके, देखते हैं व्हाट इज दिस एक्स माइनस एच। सो यू नो दिस एक्स इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। सो एक्स माइनस एच इज दिस थिंग। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एक्स इंटरसेक्शन सो दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी सेट यूनियन एच। सो दिस इज एक्स इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट यूनियन एच इज एच, दिस इज एच। सो दिस सेट इज नथिंग बट एच। यू नो एच इज काउंटेबल एंड वी नीड टू से एक्स माइनस एच इन द कोफाइनाइट
cofinite topology, we need H to be finite. Okay, this to be finite, this part to be finite. But we are getting this a countable set, and you know countable set need not be finite. If x equal to r, if x equal to r and h equal to z, means this set of integers, set of integer is countable. Okay, by this definition z is not a closed set, neither it is open. Okay, z is not closed in R in cofinite topology. However, it is closed in the usual topology. So see the difference. Okay. So why this is not open? Because z is not non-empty and x minus z is not finite. So R minus z is not finite. So therefore, z is not open in cofinite topology of R. So, okay. Now, another question. Is this open interval 0, 1 is, okay. Is this closed in R with the discrete topology? Here we are taking discrete topology. Is this closed or open? So one of them or both of them. Can anyone tell me this? क्या ये ओपन या क्लोज्ड में से कुछ है? साक्षी? यस सर। हाँ बताइए, वो क्लोज्ड या ओपन में से? ओपन होगा? यस। ओपन क्यों होगा? ओपन क्यों होगा? सॉरी सॉरी सर। सर डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम एक सर या तो इसका या जीरो एंड वन होगा, इसके बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा सर। मैं समझा नहीं, हम आर में डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले रहे हैं। टोपोलॉजी में सर ये एक फाइनाइट होगा जीरो, और या फिर इसके बीच के डिस्टेंस सर या तो जीरो होगा या फिर वन होगा, दो ही हो सकते हैं। अरे मैं साक्षी, मैंने अभी आपको मीट्रिक स्पेस में जाने को बोला ही नहीं, आप कहाँ जीरो वन क्या क्या कह रही हैं? मीट्रिक स्पेस तो मैंने बोला ही नहीं ना, आप टोपोलॉजिकल स्पेस में मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। आप इसको मैंने डिस्टेंस की तो बात ही नहीं करी आपसे, मैंने बोला क्या डिस्टेंस चाहिए मुझे? सॉरी, मैंने केवल इतना पूछा कि क्या यह सेट क्लोज या ओपन होगा या दोनों होगा या दोनों नहीं होगा। सर डिस्क्रीट में सर ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? अगर मैं कहूं आपका आंसर सही है तो उसके लिए आप एक रीजन भी देंगे ना, क्यों ओपन होगा? अनुराग भारती? यस सर। क्या ये क्लोज या ओपन या कुछ और या दोनों ही नहीं? सर वो ओपन और क्लोज दोनों होगा। क्यों? सर क्योंकि ओपन इसलिए, एक क्लोज इसलिए होगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। हाँ नहीं, हाँ कारण मतलब वो ओपन क्यों होगा, कॉम्प्लीमेंट ओपन क्यों होगा? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन उसका रीजन क्या है? सर अगर कोई भी हम क्या कहते हैं,
हम बात कहाँ पर कर, रीजन बताना बहुत आसान है। अगर आप डेफिनेशन देखें, हम कहाँ पर हैं, हमारे पास टोपोलॉजी क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्या होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, शांत क्यों हो गए अजय मीना, के एम प्रिया भाग, पावर सेट एक हाँ, पूरी हाँ, जो कंप्लीट टोपोलॉजी होती है। हाँ कंप्लीट टोपोलॉजी सब सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑल सेट्स ऑफ एक्स, ये मिक्स कर दिया आपने, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ओके। सो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट्स होंगे वो सारे के सारे सबसेट होंगे। ये एक सबसेट है आर का, 01 इज अ सबसेट ऑफ आर but not equal, but it's a proper subset of R, so therefore it is open, okay, and you know R minus 01, this is also a subset, this is nothing but open minus infinity comma 0 closed union 1 comma plus infinity, this is a subset of R, okay, this is a subset of R, therefore it is open. So its complement is also open, therefore it is closed. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? Is it correct or not? साक्षी, के एम प्रिया भारती, क्या ये ठीक है? यस सर, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। अभी हम लोग, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, क्यू, ये क्यू मीन्स द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ओके, रेशनल नंबर्स, सो रेशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ आर। If we take R with usual topology, R with usual topology, okay, and Q with subspace topology. अब आप जानते हैं subspace topology क्या है, okay? So question is whether root 2 comma root 3 intersection Q ओपन सेट, वेदर दिस इज एन ओपन सेट और अ क्लोज सेट, क्या है ये, ओपन है कि क्लोज्ड है कि दोनों है, हेलो सर, सबस्पेस टोपोलॉजी की सर, सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट्स कैसे होते हैं आपको याद दिला देते हैं, पहले फिर से आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है तो ओके, सो लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके, वाई बी ए सबसेट ऑफ एक्स, यू नो we define subspace topology tau y, all those subsets of this form g intersection y where g belongs to tau, okay, abhi hum the kahan par, r with usual topology tau and hum baat kar rahe hain tau q, to iske jo open subsets honge q ke, या हम कहें कि सबस्पेस टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे जी इंटरसेक्शन क्यू वेयर जी बिलोंग टू टाउ, ओके, ठीक है।
तो अब आप मुझे देख के बताइए कि क्या रूट टू कॉमा रूट थ्री इंटरसेक्शन क्यू ओपन है? इज दिस ओपन इन सबस्पेस टोपोलॉजी? And then tell me whether this is closed or not. Sir, open होगा क्योंकि sir ये जो open interval 2, √3 ये R का subset है और intersection Q है तो sir ये क्या usual topology में open होता है? आपको ध्यान देना है कि कौन सी टोपोलॉजी में है. ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन नहीं होता, ये तो पक्का है. क्या ये यूजुअल टोपोलॉजी? देखो आप, मैं सेट के ऊपर बहुत सारी टोपोलॉजी दे सकता हूँ. इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट, को काउंटेबल, यूजुअल, है ना, लोअर लिमिट टोपोलॉजी और भी बहुत सारी है. तो यहाँ पर देखना है कि क्या ये जो टोपोलॉजी हम बात कर रहे हैं वहां पर ओपन है. ओपन है तो क्यों है? अब क्वेश्चन है क्या ये ओपन इंटरवल, ये जो भी इंटरवल लिखा है, ये यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट होता है? यस सर, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है सर. ओपन इंटरवल तो आर में ओपन होगा सर. ये आर में बिलोंग करेगा बात. अरे यही तो, आप आर में डिपेंड करता है कि कौन सी टोपोलॉजी. अच्छा मैं ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या रूट टू कॉमा रूट थ्री, ओके, इज दिस ओपन इन आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी. आंसर इज नो, बिग नो. तो बात आती है, आप ये मत कहिए वो आर में ओपन है, आप मुझे कहिए इस टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन है और उसका रीजन बताइए क्यों. मैंने ये बोला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये ओपन नहीं है आर में, लेकिन जब मैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले रहा हूँ, ठीक है. तो अब आपका, हाँ आपका जो आंसर है वो एक रीजन के साथ मुझे मिलना चाहिए, एक उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए उसके, ठीक है. यस सर. जस्टिफिकेशन क्या है आपका? हाँ, ये जो ओपन इंटरवल है ये सर यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन होगा. क्यों सर? ये ओपन इंटरवल है और सर जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स होती है, तो सर ये ओपन इंटरवल वो ऐसा नहीं होता, वो कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन नहीं, उसमें केवल ओपन इंटरवल ही नहीं होते, उनके यूनियंस भी होते हैं. तो उसको कहो बिकॉज यूजुअल टोपोलॉजी इज जनरेटेड बाय ओपन इंटरवल्स. यस सर. ठीक है, इज जनरेटेड बाय, और तो आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स फॉर्म अ बेस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी. ठीक है, देयरफॉर इट इज ओपन. बट अगर आप देखें ये सेट सेम है इस सेट के, क्यों इस सेट के इक्वल है? बिकॉज जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं क्यू का इस सेट के साथ, ये रूट टू और रूट थ्री तो रेशनल नंबर है नहीं. अब आप उसको रखें या ना रखें इंटरसेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं. आई बात समझ में? यस सर. अब जब मैं इंटरसेक्शन देखता हूँ तो दोनों का कॉमन पॉइंट देखता हूँ ना,
यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वही कॉमन पॉइंट यहाँ पर भी है, क्योंकि ये रूट टू और रूट थ्री क्यू में नहीं है, मैं जानता हूँ। yes, तो क्योंकि ये सेट बिल्कुल इक्वल है इस सेट के, इसीलिए ये क्लोज्ड भी हो जाएगा। यही क्लोज्ड की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम मैंने आपके लिए एक्सरसाइज में छोड़ी थी, याद देखो ये वाली थ्योरम देखिए, इसका प्रूफ आप लोगों ने देख लिया होगा। X tau be a topological space and a subset A is tau Y closed. In subspace topology, ये closed होगा if there exists a closed set F such that A equal to F intersection Y. So ये जो F है, वो ये वाला set है, ठीक है? आई बात समझ में? लेकिन क्या ये सेम चीज मैंने यहाँ पर बोला, ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, दोनों है, ठीक है? लेकिन क्या हम इसके साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या ये ओपन और क्लोज्ड दोनों होगा? इज दिस सेट ओपन एंड क्लोज्ड इन सबस्पेस टोपोलॉजी? सो क्या ये ओपन है? इज दिस सेट ओपन इन सबस्पेस टोपोलॉजी ऑफ क्यू? फिर से हम यूजुअल टोपोलॉजी में, अभी हेलो क्या सर ओपन होगा? ओपन होगा क्यों सर? इसका सर आप सब स्पेस टोपोलॉजी में बोल रहे हैं ना, पूछ रहे हैं कि उसमें ओपन होगा। हाँ, क्योंकि सब स्पेस टोपोलॉजी के जो ओपन सेट्स हैं वो इस फॉर्म के हैं, वो जो मैंने ऊपर लिखा है जी इंटरसेक्शन टू बट जी इज एन ओपन सेट है। सो ये ओपन सेट है क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है यूजुअल टोपोलॉजी में, ठीक है? और सर क्या ये क्लोज्ड भी होगा? इज दिस क्लोज्ड? देखो ऊपर वाले केस में तो हमें क्लोज्ड मिल जा रहा था, क्या इस केस में भी क्लोज्ड मिलेगा? क्या मैं इस सेट को 2,3 इंटरसेक्शन क्यू लिख सकता हूँ, क्लोज्ड 2,3 इंटरसेक्शन टू सॉरी क्यू? नो सर, क्योंकि सर अभी पहले, क्योंकि इसमें दो और तीन दोनों रेशनल नंबर है ना, इंटरसेक्शन में एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं थे, ठीक है? तो दिस इज नॉट इक्वल दिस, सो दिस इज नॉट क्लोज्ड, वो आप बता पाएंगे, बिकॉज अगर इसका आप मानते हैं कि क्लोज्ड है तो आप क्या करें, इसका इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। ओके, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आर माइनस 2,3 इंटरसेक्शन क्यू। ये सेट ओपन नहीं हुआ तो इसलिए ये सेट क्लोज नहीं होगा, ठीक है? ओके, तो ये तो रही बात कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइजेज की, और भी एक्सरसाइजेज है, आप लोग उसको देखिए। अब हम करते हैं कुछ और, आज हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सेट। ओके, सो वी हैव अ, हां बोलिए सर, इसमें आप जो क्लोज्डनेस वाला जो सब, हां तो सर कि ये सर वो दोबारा थोड़ा बता, इसमें ये जो इसमें आपने अभी जो एग्जांपल्स दिए हैं, हां मैंने कहा ये क्लोज्ड क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है आप इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, क्या देखिए? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये वाला सेट आया, ठीक? आपको देखना क्या यह सेट ओपन है, तो आप देखेंगे क्या यह है ओपन है ये वाला पार्ट, और ये कितना आता है देखिए, ये आता है माइनस, सॉरी ये ओपन है माइनस इनफिनिटी टू क्लोज्ड यूनियन 3 टू इनफिनिटी क्लोज्ड 3 इनफिनिटी, ठीक है? आप जानती हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी में
ये ओपन नहीं होता सेट मैंने लिखा ये ओपन नहीं है, तो जब इसका कंप्लीमेंट ओपन नहीं है, सेट का कंप्लीमेंट ओपन नहीं है तो सेट क्लोज नहीं होगा, ठीक है? यस ओके, अब हम एक सिचुएशन आते हैं अलग से। हाँ हेलो सर, इसके इंटरसेक्शन में क्यू की जगह अगर कोई इंटरवल होता तो भी हम लेफ्ट वाले का ही देखते थे। हाँ, फिर भी हम लेफ्ट वाले को, हम लेफ्ट को देखना। देखो डेफिनेशन क्या है, बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ठीक है? ओके, हमारे पास एक्स है, एक कोई सेट है ए, दिस इज ए, अब हम तीन तरह के पॉइंट पढ़ते हैं। एक पॉइंट जो कि ऐसा है, एक और पॉइंट जो कि ऐसा है, और एक पॉइंट जो कहीं यहाँ पर है, ठीक है? इन तीन पॉइंट को तीन तरह के नाम देंगे हम। एक को इंटीरियर पॉइंट, ये देखो आपको दिख रहा है कि वो ए के अंदर है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे कहेंगे इसको, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, जो ये जो रेड कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। फिर ये वाइट तो नहीं है, लेकिन ये कुछ और कलर है, पता इसको मैं थोड़ा कलर कुछ और सा कलर, ये जो कुछ नया सा कलर है इससे डिनोट कर रहा हूँ, जो कि बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। एक पॉइंट जो येलो कलर से है वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अब ये क्यों कहलाते हैं, कैसे मैथमेटिकली, देखो फिगर में देख के कोई भी लेमैन बता देगा कि ए के अंदर वाले पॉइंट को हम इंटीरियर कहेंगे, जो जो एक बाउंड्री में है उसे हम बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। अब बाउंड्री का मीनिंग क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, और जो ए से बाहर है उसे एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे, लेकिन मैथमेटिकली हम इन्हें कैसे डिफाइन करते ये बड़ी बात है, ठीक है? ओके, सो हो क्या रहा है, आप एक बॉल बनाते हैं, ठीक है? ओपन, अच्छा मैं बॉल नहीं बोलता हूँ, ओपन सेट बोलता हूँ। हम एक पॉइंट के अराउंड एक ओपन सेट बनाते हैं जो कि पूरा का पूरा अगर इंटीरियर पॉइंट है तो ए के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है? कोई भी एक, यहाँ पर कोई भी एक ऐसा मिलना चाहिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया मैं तो ये ए लिया, ओके ये ए है, और एक पॉइंट मैंने ये बनाया, और मैं एक ओपन सेट बना रहा हूँ ये बड़ा सा, ये तो उसके बाहर चला गया, उसके अंदर नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे ओपन सेट ऐसे होने चाहिए, कम से कम एक ओपन सेट ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह ए के अंदर कंटेन कर रहा हो, ठीक है? डिफरेंस देखिए, जो बात है क्वांटिफायर उसको देखिए, हम कह रहे देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट विच कंटेन्स द पॉइंट एंड कंटेन्ड इन ए, देन दिस पॉइंट पी इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट थिंग, पहले एक्सटीरियर पॉइंट देख लेते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट में भी हम यही कहेंगे कि ये जो एक्सटीरियर पॉइंट येलो से डिनोट किया, येलो वाला था, इसके अराउंड एक ओपन सेट मिले, ओके ओपन सेट कोई एक मिले, सारे नहीं, कोई एक ऐसा मिले जो कि ए से डिसजॉइंट हो। ए से डिसजॉइंट मीन ये ओपन सेट जो रेड कलर में, सॉरी ये येलो कलर में जो मैंने डिनोट किया, जब मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ इसका, तो एम्प्टी सेट मिलना चाहिए, कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। सो ए पॉइंट इज एन एक्सटीरियर पॉइंट इफ दिस पॉइंट हैज एन ओपन सेट। सो इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग दिस पॉइंट एंड डिसजॉइंट विद ए, ओके, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। देन बात आती है बाउंड्री पॉइंट की। अब यहाँ पर थोड़ा सा
चेंज है, अभी हमने कहा था एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, हमने बोला था एग्जिस्ट करे, अब हम यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं करे, अब यहाँ पर क्या कहेंगे हम, मैं इस पॉइंट को मैं दूसरी जगह ले लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत मोटा हो गया है, इसको मैं कलर कौन सा लूँ, अच्छा केवल मेरे पास कलर का ऑप्शन अच्छे नहीं है, एक कलर लेते हैं, ठीक है येलो इस कलर लेते हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता। ये कलर तो दिखाई भी नहीं दे रहा, काम नहीं किया। पिंक ले लिए, पिंक पिंक ले लो, हाँ पिंक तो अच्छा ऑप्शन है, थैंक यू। अच्छा ये वाला पॉइंट मैं ले रहा हूँ अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट के अराउंड, ये पिंक पॉइंट के अराउंड कोई भी नेबरहुड, आप कोई भी ओपन सेट, इसके इसको कंटेंट करने वाला कोई भी ओपन सेट बनाए, वो कैसा हो, वो ए को भी इंटरसेक्ट करे और ए कंप्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट करे, ठीक है। ऐसा पॉइंट जो जिसके अराउंड कोई भी आप छोटे से छोटा ओपन सेट लें या बड़े से बड़ा ओपन सेट लें, वो ए को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और ए कंप्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है क्वांटिफायर का, इंटीरियर के लिए हमें कहना है ए पॉइंट से बी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ बी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग द पॉइंट बी एंड इट कंटेंड इन ए, ओके। एक्सटीरियर पॉइंट के लिए P is called exterior point of A if there exists an open set containing the point B and it does not intersect with A, okay. Third wala jo ki exterior point hai, jo ki boundary point hai, this point B is called boundary point of A if every open set containing this point B intersect both A and A complement. आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट है इसमें, ये डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है? हेलो ओके, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट मालूम पड़ गया। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन, नाउ वी कॉल, वी डिफाइन इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, ओके। हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है, जो कि अभी हमने ऊपर इंटीरियर पॉइंट पहले डिफाइन किया और हम बोले कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। एक दूसरा तरीका है जिसे डिफाइन करने का, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंटीरियर ऑफ ए सेट ए इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ, सो is the largest open set in X, okay, contained in A. ठीक है, so ये largest open set है X के अंदर जो A को contain कर रहा हो, ओके नाउ सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ सेट।
सो इसका क्या मतलब है, इफ यू हैव एनी ओपन सेट यू, ओपन सेट यू ओके कंटेंट इन ए, दिस इंप्लाइज दिस यू इज कंटेंट इन इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए ओके. So since this set is largest open set, okay, if A is itself open, if A is itself open, agar A khud hi open hai, then in that case, you see A is contained in A and A is itself open. So in that case, A is equal to interior of A, okay, A is equal to interior of A. You see this point? Sir, your definition is same. Kya? Sir, ye jo abhi aapne likhi hai definition topological space ke term, sir, ye samajh mein nahi. Acha, ye samajh mein nahi. Dekho. इंटीरियर पॉइंट को इंटीरियर ऑफ ए सेट डिफाइन करने के दो तरीके मैंने बताए आपको. एक तरीका मैंने पहले बोला कि इंटीरियर पॉइंट आपने डिफाइन किए, इंटीरियर पॉइंट समझ में आया? यस सर, यस वो आया, वो आया. ठीक है, उसको इंटीरियर पॉइंट डिफाइन करने के बाद हम डिफाइन कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ ए सेट. तो ये सेट के अंदर अब इसको डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं. तो एक तो तरीका मैंने क्या बोला आपको, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, वो इंटीरियर ऑफ ए सेट हो गया. ठीक, दूसरा जो जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, जो जो आपको हर जगह मिलेगी, जो बेसिक डेफिनेशन है वो है, ऐसा सेट, ऐसा ओपन सेट जो सबसे बड़ा हो और ए के अंदर हो, ए के अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा ओपन सेट वो इंटीरियर ऑफ दिस सेट होता है. ओके, ए के अंदर इससे बड़ा ओपन सेट आपको नहीं मिलेगा. तो जो ए के अंदर बैठा हुआ है सबसे बड़ा ओपन सेट इंटीरियर ऑफ ए सेट है. सो दिस इज द डेफिनेशन. अब हम इसको देखेंगे कि कैसे ये डेफिनेशन सेम है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, और ये सेम डेफिनेशन एक और तरह से भी बनती है, एक और तरह से बनती है ये डेफिनेशन, उसे कहते हैं कि हम ओके इंटीरियर ऑफ ए इज यूनियन ऑफ ऑल open subset, okay, all G, G is open and G is contained in A. तो आप A के अंदर जितने भी open set हैं उन सब का union ले लीजिए, वो interior है. okay, A के अंदर बैठे हुए open subsets का union ले लीजिए, वो interior है. अब ये जो definition है और जो मैंने पहले definition लिखी वो कैसे सेम है ये देखते हैं. ठीक, ये कैसे सेम है ये देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या सभी सेट का इंटीरियर होता है, सारे सेट्स का इंटीरियर होता है या नहीं होता. ओके, सो मुझे ये कहना चाहिए कि सारे सेट्स का इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एम्प्टी सेट है. तो पहले देखना है कि क्या सारे सेट्स का इंटीरियर नॉन एम्प्टी सेट होता है. तो एग्जांपल देखते हैं कि कोई ऐसा सेट तो नहीं है जिसका इंटीरियर एम्प्टी है. ओके, सो अच्छा, तो सिंपल सा केस लेते हैं, x इक्वल टू ए कॉमा बी. ओके, और सेट लेते हैं ए,
सेट क्या लेते हैं, सिंगलटन ए, और टोपोलॉजी टाउ लेते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, एम्प्टी सेट और एक्स. सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए. तो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से देखते हैं ये क्या है इंटीरियर, क्या है लार्जेस्ट ओपन सेट इन एक्स कंटेंड इन ए. ओके, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा सेट इसका इंटीरियर ऑफ ए बनेगा? हेलो, आप क्वेश्चन समझे कि या नहीं समझे? हेलो साक्षी, क्वेश्चन समझ में आया आपको? सर रिपीट कर दीजिए एक बार, वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी. हमने एक सेट लिया एक्स जिसमें दो एलिमेंट है ए कॉमा बी. टोपोलॉजी डिफाइन की इसमें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी या ट्रिवियल टोपोलॉजी. एक्स का एक सबसेट लिया सिंगलटन ए. ओके, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड इंटीरियर ऑफ ए. सो डेफिनेशन से चलते हैं. सुभाष अग्रहरी, सुभाष. यस सर. अच्छा ये देखते हैं, चलते हैं इसमें देखो. ठीक है, सो इंटीरियर ऑफ ए बाय डेफिनेशन क्या है बताओ? जस्ट ओपन सेट इन. यस सर. हाँ, इंटीरियर ऑफ ए क्या है बताइए? लार्जेस्ट ओपन सेट इन एक्स. ओके, हाँ, लार्जेस्ट ओपन सेट contained in A. In X, yep. Contained in A. Contained in A. So, X को मतलब यहाँ पर X with topology हमें ध्यान देनी है कि ठीक है? Yes, sir. हम in X तब कहते हैं जब हमें topology पहले से पता है कि भैया ये topology है, तो हम short form में लिख सकते हैं. Otherwise हमें ये टप ये लिखना पड़ेगा. ठीक है, टपल X tau X comma this topology. So, यहां पर बताएंगे कि कौन सा लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए के अंदर है? सर सिर्फ पाई है, और सर इसमें टर्म में दो है. सो इसमें एम्प्टी सेट, सो इंटीरियर ऑफ ए इज एम्प्टी सेट. ओके, तो इसका मतलब आपके पास इंटीरियर जो है वो एम्प्टी भी मिल सकता है. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इंटीरियर हमेशा नॉन एम्प्टी हो. क्लियर है कि नहीं है? यस सर. यस. अच्छा, तो ये एक केवल एग्जांपल था आपको दिखाने के लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मैंने बोला था कि ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सेम है किसके, इंटीरियर ऑफ ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स. दोनों सेम है मैंने बोला था, तो देखते कैसे दोनों सेम है. ठीक है, ओके. सो हम पहले दिखाते कि कोई अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ पर पहले से नोट कर दूं. जो इंटीरियर ऑफ ए सेट है ए, उसको हम डिनोट करेंगे ए नॉट. सो उसका नोटेशन ये है, या हम इसे लिखेंगे इंटीरियर इंट ए, या हम लिखेंगे इंट एक्स ए. ये तब है जब जब हम बहुत सारी चीजों में, जैसे हमारे पास सब स्पेस टोपोलॉजी भी, दो तीन टोपोलॉजी एक साथ चल रही है दो तीन सेट के ऊपर, तो हमें ये तब काम करेगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन सी टोपोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं. ठीक है,
अदरवाइज टोपोलॉजी फिक्स है, सेट फिक्स है, तो ये या इन दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। ओके, वो तो है गई नोटेशन। अब हम बात करते हैं, कोई सेट ए है, ओके, इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। सपोज एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ओके। अभी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी बताओ, याद करो इंटीरियर पॉइंट क्या था। यहाँ पर हमने क्या कहा था इंटीरियर पॉइंट के लिए, ये इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या बोला था सर, अगर x पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर मिल जाए जो a में कंटेन। नहीं, मैंने ओपन स्फीयर नहीं कहा था, ओपन बॉल। मैंने ओपन बॉल भी नहीं कहा था सर, ओपन सेट, नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ओपन सेट बोला था। अभी नेबरहुड भी नहीं बोला मैंने, ओपन सेट बोला था, ठीक है। नेबरहुड हम बाद में बोलेंगे, पहले डिफाइन कर लेंगे, तो अभी ओपन सेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। अब क्योंकि ये ओपन सेट एक्स पर डिपेंड करता है, तो मैं उसको यू एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और ये यू एक्स जो है वो एक्स को कंटेन कर रहा है, सच दैट एक्स इन यू एक्स एंड इट इज कंटेन्ड इन ए। Is this correct? Is this correct? Yes, sir. Yes. By definition, अब देखो ये UX जो है ये open set है जो कि A के अंदर है। और आपकी interior की definition क्या कहती थी? Interior of A की definition? वो कहती थी कि वो जो interior of A है वो largest open set है जो A के अंदर है। ऐसा कहती थी? Yes, sir. तो इसका मतलब ये UX तो ओपन था और A के अंदर भी है, तो इसका मतलब ये UX जो है ये इंट A के अंदर होगा, क्योंकि ये तो लार्जेस्ट ओपन सेट है, ये बाकी सारे ओपन सबसेट्स को कंटेन करता है। This implies this because int A is the largest open set. So हम यहाँ पर बोलिए बोलिए सर। सर आपने जो यूएक्स को बोला कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट है, सर ये नहीं समझ रहा आपने। यूएक्स को कब मैंने लार्जेस्ट बोला? अब सर आपने बोला कि सर यूएक्स इंटीरियर ऑफ ए होगा सर, उसके अंदर जो एक्स कंटेन कर रहा है वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा सर। हाँ, वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। मैंने कहा यूएक्स एक ओपन सेट है जो कि सेट ए, कैपिटल ए के अंदर है, इतना मैंने बोला। उसके बाद मैंने आपको रिकॉल करवाई डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्या थी बताओ सर? अरे टाउ का वो लार्जेस्ट ओपन सेट जो सर ए में कंटेन, तो सर है ना लार्जेस्ट ओपन सेट। अब मेरे पास दो सेट आ गए, कौन कौन से? UX ओपन है और इंटीरियर A भी ओपन है, दोनों A के अंदर कंटेन कर रहे हैं, और इंटीरियर A को मैं कह रहा हूँ लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन A। तो इसका मतलब ये जो UX है वो तो इंटीरियर A के अंदर होगा, बिकॉज इंटीरियर A इज द लार्जेस्ट, ठीक है? यस कंटेन्ड इन A। तो ये बात मैंने कही थी, मैंने UX को लार्जेस्ट नहीं कहा था, मैंने इंटीरियर A को लार्जेस्ट कहा था, ठीक है? Where? So this means X belong to interior A। तो इसका मतलब जो इंटीरियर पॉइंट तो सारे के सारे इंटीरियर A के अंदर है, ठीक है? इंटीरियर पॉइंट जो है वो सारे के सारे किसके अंदर है? इंटीरियर A के अंदर। सो If x is an interior point, then x belongs to a not कहो या ये same है int a, दोनों same चीज़ है। Okay, अब हम दूसरा part देखते हैं कि क्या if x belongs to interior of a या मैं इसे और int a, दोनों same notation है। मैं दोनों को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको आगे से
इन दोनों से कोई भी एक यूज करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। इफ एक्स बिलोंग्स टू हियर, आपको शो करना है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा ओपन सेट मिलेगा जो कि एक्स को कंटेन कर रहा है और किसके अंदर है, ए के अंदर है, ठीक है। बट यू नो दिस ए नॉट इज ओपन, ये ओपन होता नहीं होता, यहाँ पर लिखा है ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, सो दिस इज ओपन एंड इट इज कंटेन्ड इन ए, सो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू इंट ए एंड कंटेन्ड इन ए, सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट दिस मींस एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, कोई दिक्कत किसी को? साक्षी, सुभाष, दो सर, अनुराग, सर कोई प्रॉब्लम? हाँ, किसी ने कुछ बोला? सर बोल रहे हैं कि अच्छा, कोई प्रॉब्लम अब आप कोई, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसका मतलब हमने ये क्या प्रूव कर लिया, द इंटीरियर ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो मैंने जो दो डेफिनेशन बोली थी वो सेम होगी। अभी मैंने एक और उसके बाद डेफिनेशन बोला था, अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था, ये बोला था, मैंने बोला था कि जो इंटीरियर है वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट व्हिच आर कंटेन्ड इन ए, बोला था। यस सर, देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कैसे इंटीरियर ऑफ ए जो है वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए है, ठीक है। अब नंबर पहली बात, यूनियन ऑफ आर्बिट्री नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यूनियन ऑफ आर्बिट्री नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये बात तो ठीक है। Yes, ये तो डेफिनेशन है ना, ये तो डेफिनेशन है टोपोलॉजी की। यस, बाय द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, सेकंड या थर्ड, कभी थर्ड करते हैं कभी सेकंड लिखते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी है आप देख लो उसको, ठीक है। अब मैंने बोला था कि यूनियन ऑफ ऑल जी वेयर दिस जी इज कंटेन्ड इन ए एंड जी इज ओपन, यही बोला था। अब देखो ये जी ओपन थे तो उनका यूनियन भी ओपन होगा, और ये सारे के सारे जी किसके अंदर है, ए के अंदर है, तो उन सबका यूनियन भी कहाँ होगा, ए में ही होगा, ए के अंदर, ए में ही होगा, ठीक है, ये बात ठीक है। यस सर, ठीक। अब आपने साथ मुझे बोला था कि और इसके अलावा, क्योंकि यहां से मुझे एक चीज पता चला कि ये एक ओपन सेट था और ये ए के अंदर है, तो इसका मतलब यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज कंटेन्ड इन ए, जी इज ओपन, दिस इज कंटेन्ड इन इंटीरियर ऑफ ए, बिकॉज इंटीरियर ऑफ ए कैसा सेट है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए है, ठीक है, ये बात ठीक है कि नहीं है? यस सर, यस सर, ओके। और यहां पर हम जो ये यूनियन है इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, सारे ओपन सेट्स ले रहे हैं जो कि ए के अंदर है, तो इंटीरियर ऑफ ए भी तो ओपन सेट है जो ए के अंदर है, तो वो जी
किसी कोई एक जी पहले से वहां बैठा हुआ है इंटीरियर में, तो इंटीरियर ऑफ ए इस यूनियन में होगा ही, क्योंकि हम तो सारे के सारे ओपन सेट को लेके चल रहे हैं, तो क्योंकि इंटीरियर ए खुद ही ओपन है तो वो कोई ना कोई एक जी ऐसा होगा, और हम उनका यूनियन ले रहे हैं तो ये इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब ये देखो आप आपको याद होगा ए कंटेंट इन बी एंड बी कंटेंट इन ए, अगर ऐसा है तो बी इक्वल टू ए होता है, जानते हैं ये वाला रिजल्ट? ये रिजल्ट ठीक है ना, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो दोनों सेम होते हैं। सर ये ऊपर वाली लाइन से बताते हैं इंटीरियर ए कंटेंट इन जी सबसेट जी। अच्छा ये अच्छा यहाँ पर ये जो मैंने कलेक्शन किया इसमें कौन से सेट है बताओ? उसका नहीं, उसके नीचे वाला। हाँ पहले ये बताओ इसमें ये जो उसके मैं ये जो कलेक्शन ले रहा हूँ इसमें कौन से सेट है? सर ओपन सेट्स हैं। कौन से ओपन सेट्स हैं? ए में एक ओपन, ए में कंटेन करने वाले, ठीक है सारे के सारे, सारे के सारे। तो इंटीरियर ए भी तो खुद ही आ गए ना उसमें, इंटीरियर ए भी तो एक ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेन है। यस सर। तो वो तो ऑलरेडी वहां पर है, ठीक। तो ये जो ये पहली इनइक्वालिटी है ये तो कहोगे बिकॉज ये जो कलेक्शन है ये ओपन है और ये ए के अंदर समाया हुआ है और इंटीरियर ए लार्जेस्ट है, इसलिए ये पहली वाली जो कंटेनमेंट है ये आया। दूसरा कंटेनमेंट इसलिए आया क्योंकि इंटीरियर ए खुद एक ओपन सेट है जो कि ए के अंदर है, तो वो इस कलेक्शन में तो पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो ये दोनों का मतलब है कि इंट ए इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंड इन ए। तो अभी आपके पास तीन डेफिनेशन आ गई, ठीक है, इंटीरियर ए की तीन डेफिनेशन आ गई हैं, आप कोई भी यूज करिए। क्लियर और नॉट? क्लियर है सर, क्लियर। हाँ अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम इंटीरियर ऑफ क्यू फाइंड करेंगे वेयर क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। क्या होगा इंटीरियर ऑफ क्यू? अभी ध्यान दो, इंटीरियर ऑफ क्यू हम यूजुअल टोपोलॉजी में कह रहे हैं, ध्यान देना। तो ये यहाँ पर सबसे पहली बात इधर ऊपर से देखते, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंड इन क्यू, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट। तो ओपन सेट यूजुअल टोपोलॉजी में कैसे होंगे? यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो आप कोई मुझे कोई ऐसा ओपन इंटरवल बता सकते हैं जो कि रेशनल्स के अंदर बैठा हो? सर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, ओपन इंटरवल रेशनल और इरेशनल दोनों होंगे, तो ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी एमटी आएगा, एमटी सेट आएगा क्योंकि कोई है ही नहीं ना ऐसा। ओके क्लियर है बात? यस सर। ऐसे ही इंटीरियर ऑफ आर माइनस क्यू मींस अगर मैं इरेशनल कहूं तब सर अब भी पाया आएगा क्योंकि r माइनस क्यू करंट मतलब इरेशनल्स का सेट है, ठीक होगा। बहुत बढ़िया, ये आप लोग समझ गए, ठीक है। ये तो था इंटीरियर, ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंड इन ए, और आप जानते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल कोई भी आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। आप सेम चीज क्लोज सेट के लिए जानते हैं, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। यस सर याद है आपको, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ
क्लोज सेट इज क्लोज. अभी हमने यहाँ पर दो बातें करी. एक बात करिए कि ये जो ओपन सेट ले रहे थे हम कंटेंट इन ए थे, ठीक है. अभी हम ध्यान देते हैं फिर से चीजों में. ऐसे ये ए था, ए के अंदर कंटेन करने, मैं रेड से बना रहा हूँ, ए के अंदर ये कंटेन होने वाले सारे ओपन सेट में ले रहा था ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और बढ़ाता जा रहा था, ठीक. तो इन सब का यूनियन आप लोगे तो आपको फाइनली इंटीरियर मिल रहा था. अब हम उल्टा करते हैं. मेरे पास ये ए है, ठीक, ए कैसा भी है हमें नहीं पता, ओपन क्लोज कुछ भी कोई सेट है, और ये एक्स है. मैं ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट अब ले रहा हूँ. ए को कंटेन करने वाले मतलब ये ए को कंटेन करता है, ये एक्स पूरा का पूरा ए को कंटेन करता है, ये सेट ए को कंटेन करता है, ठीक है. तो ये सारे सेट का मैं कलेक्शन ले रहा हूँ और मैं क्या लेता हूं, इनका इंटरसेक्शन. ये सारे क्लोज सेट जो कि ए को कंटेन करते हैं, ए को, ठीक है, और उनका आप क्या ले रहे हो फिर, इंटरसेक्शन. तो क्या मिलेगा आपको, ये भी एक अच्छा नोशन है जिसे हम कहते हैं क्लोजर, ठीक सर. ए ही ए नहीं, ऐसा जरूर नहीं ए ही मिलेगा. देखो मैं क्यों नहीं मिलेगा ये देखते हैं. चलो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पर देख लेते. फिगर से आपको लग रहा है वो देखते हैं हम. आर में चलते हैं, आर, और एक ओपन इंटरवल जीरो और वन लेते हैं, ठीक है. ओपन इंटरवल मैंने क्या कहा, सारे क्लोज देखने हैं जो कि जीरो वन को कंटेन करे. तो नंबर पहला तो जीरो वन, अरे भैया, जीरो वन को कंटेन करने वाला क्लोज, एक तो ये क्लोज जीरो वन है, ठीक है, और हम स्टार्ट कर रहे थे ओपन से, ध्यान रखना, ठीक है. और जितने भी बाकी क्लोज होंगे वो सब इनको, इन सब का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, सब का इंटरसेक्शन लोगे, क्या मिलेगा आपको, क्लोज जीरो वन मिलेगा, ठीक है, ना कि ओपन जीरो वन. तो आपको ए नहीं मिला, ए से थोड़ा सा बड़ा मिला. इसको इसको आप इमेजिन करिए, ठीक है, इसको इंट्यूटिवली आप सोचिए कैसे ये हो रहा है. आपने फिर से बोला, मैंने ए को कंटेन करने वाले सारे क्लोज्ड सेट्स का इंटरसेक्शन, तो ये सेट कैसा होगा, ये होगा इंटरसेक्शन होता है जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है. इंटरसेक्शन करने में आपको छोटा करते जाते हैं, यूनियन करने में बड़ा होता जाता है ना. जब हम यूनियन कर रहे थे तो आपको लार्जेस्ट सेट मिल रहा था, जब आपको इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको स्मॉलेस्ट सेट मिलेगा, ठीक है. हाँ या ना तो बोलिए प्लीज. यस सर, यस. तो अब मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको. तो जैसे अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन में इंटीरियर के दो तीन डेफिनेशन देखे, यहाँ पर भी आप इसको देखेंगे. तो मैं यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, और जो ये सेट हम बना रहे हैं इसे हम क्लोजर कहते हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट, ओके, द क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए. अब दोनों में ध्यान देना, हल्का सा डिफरेंस है. वहां पर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए था, यहां पर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ए को कंटेन करने वाला, ठीक है. दोनों में ध्यान देना, इसको हम डिनोट करेंगे सी एल ए और ए बार, ठीक है, या फिर सी एल एक्स ए. तो इन तीनों में से कोई एक हम यूज करेंगे. तो मैंने आपको इसकी एक दूसरी डेफिनेशन बताई थी, कौन सी, हम क्या कर रहे थे, सारे क्लोज सेट जो कि ए को कंटेन करते हैं उनका क्या ले रहा था मैं, इंटरसेक्शन ले रहा था, ठीक है. सो ऑब्जर्वेशन
या फिर ये यहाँ से ये एक रिजल्ट भी बन जाएगा आपके लिए. सो क्या होगा, क्लोजर इज क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए. ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. जैसे हमने ऊपर किया था सेम वैसे आप भी ये कर लोगे. देखो, बाय डेफिनेशन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए इज क्लोज्ड, ये तो है ही. और ये क्योंकि इंटरसेक्शन ले लेते वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो ये बहुत इजी सा वो है. बस जो जैसे हमने यूनियन के केस में किया था वही सेम ट्रिक यहाँ पर यूज करनी है आपको. ठीक है, हाँ. और हमने एक और चीज यहाँ पर बोली थी, ऊपर ध्यान दो, हमने बोला था कि अगर कोई सेट ओपन है, कहाँ पर बोला था, यहाँ पर बोला था, अगर ए ओपन है तो ए और उसका इंटीरियर इक्वल होगा. यहाँ पर कहाँ पर, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए का वो पहले ही बोल देते क्या, हाँ, ओपन सेट U है तो यहाँ पर मैंने U से शुरू किया. ओ नहीं, अच्छा तो मैंने वो शायद नहीं लिखा, मैं फिर से आपको, मैंने केवल बोल दिया उसका प्रूफ नहीं दिया, मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ. वो आप लोग देखिए, ए सेट A इज ओपन if and only if a equal to a interior of a. okay, आप जानते हैं a interior largest open set है. अगर a equal to a interior है तो a open होगा ही, क्योंकि ये largest open set होता है contained in a. okay, पहला part तो easily provable है. दूसरा part, अगर a open है तो ए खुद ही के अंदर है ना, ए इसी को कंटेन कर रहा है. और आप जानते हैं इंटीरियर ऑफ ए जो है, ए ओपन है और इंटीरियर ऑफ ए इसके अंदर होता है, ए के अंदर होता है, क्योंकि ए खुद ओपन है, खुद का सबसेट है, तो वो इंटीरियर ऑफ ए का एक सबसेट होगा. तो इसका मतलब जो अभी आपने ये बोला था a contained in b contained in a, this implies a equal to b, इसका यूज करिए. सो फ्रॉम दिस a equal to interior a. सो सिमिलर रिजल्ट इज इफ a इज क्लोज्ड देन a equal to a bar means क्लोजर ऑफ a, क्लोजर a. ये बहुत इजी है क्योंकि ए बार बाय डेफिनेशन इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट. अगर ए इक्वल टू ए बार है ए क्लोज्ड होगा, अगर ए क्लोज्ड है तो ए इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ एंड ए इज क्लोज्ड. तो क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है तो सी एल ए जो है वो इसके अंदर होगा, और बाय डेफिनेशन ए जो है क्लोजर ए के अंदर होता है, एंड यू आर डन. ठीक है, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट, ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए एंड दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर एंड क्लोजर. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर. आप लोग इसके एग्जांपल्स देखिए, बुक आपके पास है, सब लोगों के पास बुक है ना अभी? यस सर. कौन कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं आप लोग? मंकर्स की बुक है, केडी जोशी की बुक है. और क्योंकि मंकर्स की बुक
बहुत सही बुक है वो, आप लोगों को जो भी आप आगे कभी एग्जाम देंगे, एनबीएचएम का एग्जाम देंगे या फिर एनबीएचएम के बारे में जानते हैं ना आप सब, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। अच्छा नहीं जानते तो कभी इसमें बात करेंगे। एनबीएचएम फिर नेट का एग्जाम देंगे तो वहाँ सब ये बहुत हेल्प करेगा, और किसी इंटरव्यू में भी। और साथ ही के साथ कोई दूसरी बुक भी आप देखिए, जैसे केडी जोशी की बुक है वो थोड़ा अच्छे से लिखी है, विलार्ड की बुक है ठीक है, वो और पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, तो और भी बुक आप देखते रहिए और साथ में नोट्स फॉलो करिए। मैं क्वेश्चन जो भी देता हूँ उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए ओके। मैं जल्दी आपको मैंने दो तीन क्लासेस से आपको असाइनमेंट नहीं भेजा है, कोशिश करूंगा जल्दी एक असाइनमेंट आपको ले डालूं ठीक है ओके। कोई क्वेश्चन किसी का? सर आपने जो वो ईमेल किया सर, हाँ वो नहीं चल रहा है, उसको उसका कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, वो शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। मेरा जो बात ये है, मेरे लैपटॉप में स्पेस बहुत कम है, अब मैं उसको डाउनलोड करके फिर डालूंगा तो वो इतना होगा नहीं, तो मुझे एक नया सिस्टम चाहिए जहाँ पर मैं डाउनलोड कर पाऊँ, तो वो नहीं हो पा रहा मेरे साथ ना। और मैं आप लोगों के साथ अपना ईमेल और पासवर्ड शेयर नहीं कर सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इसका कुछ उपाय निकालेंगे ठीक है। मैं राकेश जी से बात करता हूँ आज डिपार्टमेंट में, देखते हैं कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और कोई डाउट? आप लोग दिन पर दिन लोग कम होते जा रहे हैं ऐसा क्यों? पहले कल तक 17-18 हो जाते थे, आज तो 11 लोग हैं सर। अच्छा नहीं लग रहा क्या ये टॉपिक? क्या इस टाइम बारिश होती है, नेटवर्क इशू बहुत रहता है, लेकिन मॉर्निंग में तो नेटवर्क इतना दिक्कत नहीं करता, बारिश तो मेरे यहाँ यहाँ तो नेटवर्क सर बहुत सारे लोग गांव से इनके पास नेट। नहीं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहले दिन जब हम क्लास अटेंड किए थे तो 27-28 थे, उसके बाद वो कम होते गए, मुझे मालूम था कम होते हैं, लेकिन वो 17-18 आ रहे थे, आज तो और भी कम हो गए। अरे छुट्टी का तो कल रात में मैसेज आ गया था ना। यस सर पता चल रहा था कि आज तो ओपन ही रहेगा सर, नेटवर्क इशू होगा क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है सर। अच्छा कल मुझे मालूम नहीं कल छुट्टी होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं कल क्लास है हॉलीडे हो है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कल क्लास लूंगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर नो सर नो प्रॉब्लम। क्लास नहीं लेना चाहते? ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो कल क्लास लेंगे ठीक है ओके देन बाय। अच्छा ड्रॉप योर अटेंडेंस। थैंक यू।